और यहाँ का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, ये जगह अपने आप में ही एक फेस्टिव है बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। तो हमेशा परेशान होना पड़ेगा, चाहे आप बाइक लेके आए चाहे आप कार ले। इसका कितना 180 है 200 है, इतना ज्यादा छोटा है, पता नहीं ये कैसा टेस्ट होगा। अभी हम यहाँ से जाएंगे टाउन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चाट हाउस दोनों तरफ हैं, स्पेशली फॉर द टूरिस्ट। और ये है बहुत बड़ा बिल्डिंग, वहाँ से लेके यहाँ तक। रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस डिजिटल है, फुटप्रिंट है कुछ। और ये है होटल मारबा हब एम क्राउन करके, लग्जरी होटल माना जाता है यहाँ का है। और यहाँ पे बाइक पार्किंग है। आप लोग जब भी यहाँ आए, आप लोगों को एक चीज याद रखना है की पुलिस बाजार यहाँ का नाम है। सीधा आपको फ्रंट में बाइक के लिए पार्किंग मिल जाएगा। सो राइडर्स जो बाइक लेके यहाँ पे विजिट करेंगे, इंस्टेंट पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगा व्हेन यू अराइव। और ये सारे वन वे रोड्स का यहाँ पे मामला है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि रोड्स कौन से कहा जाते हैं। आप कहीं भी जा नहीं सकते, पुलिस आपको रोक देगा या फिर आपको बहुत ही ज्यादा घूमना पड़ सकता है। मतलब दाव पेच अलग है यहाँ का। और बिल्कुल यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ वो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये क्या है, आई कहा गया इसका, सॉरी यहाँ पे आई था, वहाँ पे मुझे स्टैंड दिख रहा है लेकिन आई वहाँ से हट गया। और वो देख से डिस्प्ले लगा हुआ है, बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है। तो बहुत ही हाईफाई जो टाउन्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे देखने को मिलता है डिस्प्लेस। और ये है एंट्री। एक्चुअली हम अगर गुवाहाटी से आए ना तो इस साइड से एंट्री होता है, यहाँ पे हम भी यही से जो है एंटर किए। तो यहाँ से एंटर करने के बाद आपको सीधा जो है मतलब यहाँ पे दिख जाएगा, लेफ्ट में आपको पार्किंग मिलेगा और इसके लेफ्ट में आपको होटल मिलेगा अगर आपको ये लेना है। हालांकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है नो डाउट। सीट्स है जैसे कि वो एक हो गया एग्जिट, ये एक है एग्जिट इस साइड से। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सरकारी कुछ ऑफिसेस मैंने देखे इस साइड। और इतना ज़्यादा भीड़ है, देखिए आप, इतना भीड़, मतलब इतना भीड़ कोई जगह पे विदाउट एनी ओकेशन होता ही नहीं है। फेस्टिव होना पड़ेगा तभी इतना भीड़ है। लेकिन ये जगह अपने आप में ही एक फेस्टिव है बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे असम से लेके, असम के बाहर से लेके, मतलब कई जगह से, इवन बांग्लादेश से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं स्पेशली। और ये हम सबका प्यारा पूमा का आउटलेट, पूमा का स्टोर। और देखिए शूज है, ड्रेसेस है, सब कुछ है। हालांकि विजिट नहीं कर रहा मैं अभी क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। स्टारबक्स यहाँ पे नहीं है मेरे दोस्त, स्टारबक्स शायद नहीं है। ये हमारा एक दोस्त मिला, यहाँ का ही है, शिलोंग का है। हमको शूट करता हुआ देख के हमसे बात करने लग गए। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम शुभोजित तालुकदार है। शुभोजित तालुकदार भैया तो बहुत ही अच्छे है, ये फ्रेंडली है, यहाँ के है, लोकल, कहीं काम से आ रहे होंगे तो ड्यूटी से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे। अगली बार आते हैं तो पक्का मुलाकात होगी। थैंक यू। यहाँ का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, वो देखिए पीछे ब्लैक एंड येलो कलर का जो टैक्सी दिख रहा है आपको, ये हर जगह देखने को मिलेगा आप जहाँ जाए। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये आप मेरे पीछे देख सकते आएगा, ये देखिए, ये एक मारुति 800 है, बहुत पहले का गाड़ी है। इसको भी अच्छे से मेनटेन करके ये लोग जो है टैक्सी के पर्पस में यूज करते हैं। बिल्कुल गुवाहाटी का जो फैंसी बाजार हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे। देखिए सब कुछ, मतलब ये जो रोड साइड में मिलने वाले सारे के सारे इसेंशियल सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके थोड़ा आगे जाके यहाँ पे वाइन शॉप है, बहुत बड़ा वाइन शॉप है, द शिलोंग वाइन शॉप। और यहाँ पे कुछ बहुत ही यूनिक चीज मेरे को दिख रहा है, ये छोटे कैप्सिकम है, मतलब नैनो टाइप के कैप्सिकम होंगे। और ये मिर्ची आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको इनका साइज का एक आइडिया देता हूँ पर्सपेक्टिवली। देखिए ये मेरा फिंगर है और ये एक मिर्ची है, इट्स अ चिली, जो कि इतना ज़्यादा छोटा है, पता नहीं ये कैसा टेस्ट होगा और किस काम के लिए यूज़ किया जाता होगा। और भी कुछ फ्रूट्स बोलेंगे, वेजिटेबल बोलेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये देख सकते हैं हैंड क्राफ्टेड सारे के सारे चीज़ें। और ये बॉटल्स, ये बैम्बू का बना है, एक ही पीस को काटा गया है। नीचे के साइड जो है क्लोज्ड है, ऊपर के साइड ओपनिंग है। इसमें से पानी बाहर नहीं आता, लीक नहीं होता। नॉर्मल बोतल में होता है ना। अच्छा, एकदम अच्छे से। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है ताकि पानी जो है वो ना हो, लीकेज ना हो। यहाँ पे कपड़े भी है, अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं उनके कलेक्शंस के रिलेटेड। लाइक हमारे असम में जो होता है गामोसा, यहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स होंगे उनके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिव आइटम्स है, आप लोग बिना लेके जा ही नहीं पाएंगे। सबसे अलग एक रोड जो कि है जेल रोड, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जेल रोड लिखा है। तो जेल रोड के अगर इस रास्ते से आप जाए, मतलब मैं यहाँ से गया था, मेरा क्या हुआ था वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। मतलब इतना गड़बड़ हो गया रास्ता, 4 बार घूमना पड़ा एक ही जगह से। लेकिन ये रोड बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा आगे, सब के अंदर बैनर में लिखा होगा जेल रोड, जेल रोड। एक कोई स्कूल है शायद, उसका भी नाम है जेल करके कुछ। और यहाँ के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मतलब प्लांट्स, ट्रीज, ये देख सकते हैं आप। टाउन के अंदर, एकदम बीच टाउन में जो है अच्छे से प्लांट्स को मेंटेन किया हुआ है। इसमें फ्लावर्स तक है, आप देख सकते हैं। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है टाउन के अंदर। एकदम बिजी टाउन के जो पॉइंट होते हैं ना, जो सेंटर होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक होता है और पुलिस पॉइंट होता है ना, तो वहाँ पे जो है ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ जो अच्छा अच्छे से मेंटेन किया गया है। सो इसीलिए ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पे लोग आते हैं, दे लव इट, वी लव इट, वी ऑल लव शिलोंग। तो अभी टाइम है डिनर करने का, और हमारे ये जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो मेरे साथ आए हैं, जिनको मैं लेके आया, देखते हैं कहाँ पे लेके क्या खिलाते हैं। तो अभी हम जो है होटल में वापस आ चुके हैं। आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। अभी कल का देखते हैं, कल का प्लान क्या है क्या नहीं, रात को बनाएंगे। और उसके बाद जो है कल का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय। दरवाज़ा खोलिए, खोलिए दरवाज़ा।